हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, और उससे पहले सभी तो नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के सिलेबस को हमने कवर करने की कोशिश की है और आप लोगों को सिलेबस बताए हैं एंड बेस्ट राइटर्स भी बताए हैं। सो आप लोग जानते हैं कि अब जुलाई में सर पर आप लोगों के पेपर रखे हैं, आप लोगों के पेपर होने वाले हैं। सो आज की वीडियो में हम BA प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। आप लोगों के जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स हैं, आपको हमारी टीम ने जो अभी कल मॉर्निंग में एक वीडियो पब्लिक की थी, जिसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बातचीत की गई थी, उसमें बताया था कि कोर कोर्स सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 2 डिसिप्लिन एज ऑप्टेड इन सेमेस्टर 1, कि जो आप जो 2 डिसिप्लिन ले चुके हैं वो आपके वो सेम ही रहेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने लिए थे। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश लिया था, या फिर हिस्ट्री हिंदी, हिस्ट्री पॉलिटिकल ऐसा लिया था, तो वो आपके सेम रहेंगे। अब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि हिस्ट्री का सिलेबस और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम विद बेस्ट राइटर्स के साथ हम लोग देख चुके हैं। इनके साथ ने नहीं देखा है तो आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ लिएगा, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। अब बात आती है आपके आगे जो AECC हैं उनकी, कि उससे पहले, मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आज की वीडियो में डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स में से इंग्लिश का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के सब्जेक्ट का नाम है सिलेक्शन फ्रॉम मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स में सेकंड सेमेस्टर में आपको इन्वायरमेंटल साइंस दिया गया है, एंड MIL में आप लोगों ने अपनी जो पहले लिया था उसके अकॉर्डिंग चेंज करके सब्जेक्ट ले लिया है। सो आज की वीडियो में हम इंग्लिश का, जिसका नाम सिलेक्शन फ्रॉम मॉडर्न इंडियन लिटरेचर है, उसका सिलेबस एंड बेस्ट राइटर्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि ओनली 2 यूनिट्स दी गई हैं। ठीक है, और 2 यूनिट्स में, एक में स्टोरी है, एक में पोयम है। सो सबसे पहले है आपकी स्टोरीज़ है। सबसे पहली प्रेमचंद की है द होली पंचायत, आर के नारायण द MCC, बशीर द कार्ड शार्पर डॉटर, सदत हसन मांटो, तौबा तेग सिंह, अंबाई स्क्वेरल, इश्मत चुगताई लिहाफ। ठीक है, ये हैं आपके 6 स्टोरीज़ जो आपको इस यूनिट में टोटल पढ़नी है। अब बात आती है आपके पोएम्स की, जो 10 पोएम्स दी गई हैं। ठीक है, सो ये हैं पूरी 10 पोएम्स। जीबनंदा दास की विंडी नाइट आई शैल रिटर्न, मुक्तिबोध की द वॉइड सो वेरी फार, निस्सिम की इंटरप्राइज, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, जयंता की हंगर धौली ग्रैंडफादर, और श्री श्री की फॉरवर्ड मार्च। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इनकी सबकी पोएम एंड ये स्टोरीज़ हैं। अब बात आती है आपके राइटर की, तो राइटर इसका कोई भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी सारी बुक्स राइटर के नाम पर ही दी गई हैं। स्टोरीज़ पोएम जीबनंद दास जो हैं, इनके बारे में आप निकालोगे, गूगल से सर्च करो, किसी टीचर की हेल्प लो, आप हमारी हेल्प लो, या फिर लाइब्रेरी की बुक से हेल्प लो, कोई आपके पास बुक हो कुछ भी उससे हेल्प लो, तो नॉर्मली, मतलब एक तरीके से जीबनंद दास जो हैं उनकी विंडी नाइट और आई शैल रिटर्न जो है उसकी वो जो पोयम है इनकी वो निकल कर सामने आ जाएगी। तो ये खुद ही अपने में एक राइटर हैं, तो इसके लिए कोई एक राइटर की ज़रूरत, किसी एक बुक की ज़रूरत नहीं है। सेम वैसे ही यहाँ पर पीछे स्टोरीज़ के साथ है प्रेमचंद की द होली पंचायत जो है, ये प्रेमचंद जो है राइटर हैं, स्टोरी के राइटर हैं, तो किसी और राइटर की बुक की ज़रूरत ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स में अब हमने इंग्लिश का, हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देख लिया है। इंग्लिश का सिलेबस हिंदी में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपका लैंग्वेज पेपर है तो इंग्लिश में ही रहेगा। हिस्ट्री का सिलेबस इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लिया है, पॉलिटिकल का इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख रखा है। सो आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।